ये सारे पुराने तो भी थोड़ा सा नीचे जाते हैं और यार बड़ी हैरानगी वाली बात है। मुझे इस तरह का तो बहुत शौक है देखने का कि इस तरह की जो चीज़ें देखो हिस्टोरिकल, क्योंकि ईरान के अंदर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ये देखने, ये भी घर है, कमरे का दरवाज़ा देखें आप ज़रा, छोटा सा है बिल्कुल ही। ये देखें भाईजान क्या सीन है यहाँ पे, आटा क्या नहीं। तो ये बच्चा कह रहा है कि इसके जरिए जो था पहले आटा बनाया जाता था, ये पत्थर वाली चक्की है, तो पाकिस्तान में भी ऐसे होता था पुराने वक्तों के अंदर, ऐसे ही आटा वगैरह बनाया जाता था। अच्छा, और ये परनाला देख ले, पत्थर से काट के बनाया हुआ है, तो देख ले पुराने वक्तों के अंदर इस तरीके से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। बालन तो ये बालन रखने के लिए है। ये देख लें जी घर, इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं। और इस विलेज के अंदर हमें जितने भी लोग मिले हैं उनके कद जो है वो बाकी ईरान के जितने पीपल्स हैं उनसे छोटे हैं। इस तरीके से घर है यहाँ पे, ये छोटे छोटे घर यहाँ पे कच्ची मिट्टी के साथ बनाए गए हैं। ये देख लें जी माखोनिक विलेज का ऊपर से व्यू, और यहाँ पे भाईजन कह रहे हैं कि तंदूर है, यहाँ पे रोटियां पकाई जाती हैं, ऊपर से बंद किया हुआ है, खूब उजला ईंटें लगाई हैं, जबकि हमारे यहाँ वो कच्ची मिट्टी का तंदूर होता है और यहाँ पे पक्की ईंटें लगा के इसके ऊपर रोटियां पकाई जाती हैं। हाँ हाँ यस। क्या है ये पंजर है, पिंजरा? घरों के बाहर अक्सर इस तरीके से ये चीज आप देख रहे हैं, जो बालन वगैरह लेके आते हैं दरख्त काट के, हम तो बालन कहते हैं, वो छड़ियों का उन्होंने एक ऐसे स्टैंड बनाया हुआ होता है और जितनी भी लकड़ियां होती हैं उसके ऊपर डाल देते हैं, और बाद में जब खुशक हो जाती फिर उनको वो नीचे उतार लेते हैं, नीचे नहीं रखते क्योंकि इनको जो है ना वो क्या बोलते हैं सेंग, हम तो सेंग कहते हैं, वो लग जाती है और वो खराब हो जाते हैं, इनको ऊपर रख देते हैं और बाद में उन्हें वो नीचे उतार लेते हैं। ये यार यहाँ पे सारा पुराना सिस्टम है, ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या रोटी है? आज बच्चों माखुनी के आसपास रोटी, इस विलेज के अंदर जो नाई गार्ड मार रहे हैं वो इस तरीके से मार रहे हैं पत्थर, और ये मिट्टी देख लें इस तरीके से, ये मिट्टी वगैरह है, मिट्टी की मदद से इन पत्थरों के अंदर डाल के इसको बनाया।